तो फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं इस समय स्टार कंपनी, और जो स्टार हमारे फतेहपुर के हैं और हमारे साथ देख सकते हैं बहुत पुराने हमारे यहाँ फतेहपुर के काम करने वाले जो नाइम भाई हैं, जिनको स्टार डीजे के नाम से जाना जाता है, और ये फतेहपुर के सादीपुर के रहने वाले हैं। थोड़ा सा इनको जानकारी करना, बहुत प्यारे इन्होंने सेटअप लगाया, 4 SRP लगाई हैं, प्लस करीब करीब इन्होंने 80-450 लगाई हुई है, थोड़े से कैबिनेट लगाए उन्होंने 6-15 या 7-15, बात करूँ मैं बात करते हैं हम लोग। तो नाइम भाई, आपने जो सेवा पिछली बार भी किया था, साथ पिछली बार वाला वीडियो मैंने डिलीट हो गया था मेरा किसी कारण, तो मैंने नहीं डाला था, तो इस समय मैंने इसमें आपका डाला है भाई। पिछली बार मैं भी चूल्हा के मेला गया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो मेरे विचार में आया जितनी गाड़ियाँ यहाँ लगी हैं तो सबका एक अलग अलग वीडियो बनाया जाए, इससे एक यादगार हो जाती है। इसमें आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि जो ये लगाते हैं गाड़ी, हर साल लगाते हैं, कैसा क्या सिस्टम है थोड़ा? इसमें डीजे वाला सारा सिस्टम है और साउंड लगे हुए हैं, हाइसें लगी हुई हैं, लाइटें लगी हुई हैं, तो फिलहाल सेटअप बहुत प्यारा पिछली बार से, वो गाड़ी भी बहुत साफ सुथरी लगी है इस बार कुछ नया, तो ये मुझे लग रहा है कि नया सेटअप आपने पैसा खर्च किया। जी, तो अच्छी बात है कि कुछ नया होना चाहिए, वो जब नया कुछ होता है तभी अच्छा लगता है जी। तब में तो आपके साथ आपकी टीम, अगर बात करी जाए सब यही लोग काम करते हैं। आपका शुभ नाम? हेलो भाई, ये तो आप ही नहीं का भाई, समझते हो आप भी भैया, तो देखो ये इनकी ऐसी टीम है, तो मैं दिखा देता हूँ जो इन्होंने जनरेटर यूज़ किया है। तो शायद आपको मैंने जनरेटर देखा था, बहुत प्यारा लगा था, वो किलोस्कर का है जी जी। तो ये आपका खुद का है कि किराए में है? ये खुद का है हमारा। अच्छा, आप मैंने सुना हमारे कि पास 4-5 जनरेटर हैं। अच्छा, 4-5 जनरेटर, भाई अगर किसी भाई को किराए में भी लेना हो तो इनको तो मान लो तो किराए में आराम से ले सकता है, क्योंकि जनरेटर का भी काम अच्छा करते हैं। तो वही इनका एड्रेस बहुत अच्छा है, सादीपुर आप आएंगे क्रॉसिंग के पास, कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा सेटअप है, साउंड सर्विस भी आप करते हैं, कई जगह देखा हमने, बहुत अच्छी बात है भाई, लगी आपने सेटअप किया, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो अगर उसमें थोड़ा सा बाजा वाजा लगता है तो कुछ अच्छा लगता है, थोड़ा सा माहौल भी अच्छा बनता है। अभी यहाँ से आप निकलेंगे पूरा घूमेगा, तो फिलहाल अभी हम आप चलते दिखाते हैं अब इनके रात में कैसी खूबसूरत लगती है, क्योंकि अभी बाजा बंद हुआ है, तो थोड़ा सा हमारे कुछ अभी आए हुए हैं मेहमान लोग, इसकी वजह से बाजा बंद है, अभी चलता हुआ अभी आपको हम दिखा देंगे, तो चलते अभी थोड़ा सा आगे कभी देख लेते हैं आप लोगों का, आप लोग खड़े रहो। भाई थोड़ा सा भाई पीछे पीछे टोपी दे।